हे गाइस, पीजी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे भाई, एग्जाम फॉर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। किस किस के लिए अपडेट है आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी तृतीय सेमेस्टर नियमित हो, चाहे आप प्राइवेट हो या एटीगेटी संबंधित महाविद्यालय हो, तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। यानी दोस्तों पीजी के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाला है। संबंधित महाविद्यालयों में अध्ययनरत तृतीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर यथा एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएससी होम साइंस नियमित स्वास्थ्य एटीगेटी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र सत्र 2019-20 एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाने की तिथियां निम्नानुसार यहाँ पे बताइए। दोस्तों तृतीय सेमेस्टर पीजी वालों के लिए यहाँ पे एग्जाम फॉर्म से संबंधित है, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, या फिर आपकी एटीगेटी हो, या फिर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया है, आपका छूट गया यानी कि आप लोग फेल हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके एग्जाम फॉर्म से संबंधित को डेट यहाँ पे दी है, कितनी फीस लगने वाली ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सामान्य शुल्क के साथ यहाँ पे जो 26/12/2020 से 6/1/2021 तक यहाँ पे क्या है कि आपको बिना लेट फी के साथ आपको यहाँ पे क्या है कि अपने कॉलेज में जाके फीस आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 300 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। फिर आप 7/1/2021 से लेकर 11/1/2021 तक यहाँ पे जो फिलअप कर सकते हैं, इसके बाद भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और आप जो एग्जाम से 3 दिन पहले तक जो इसमें अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी मैंने आपको डेट बता दी है, तो आप लोग जाइए और अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसके साथ साथ देख लो दोस्तों यहाँ पे और कुछ भी आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन प्रक्रिया, विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.buvopal.ac.online पर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक कर महाविद्यालयों को पूर्व से प्रदाय किए गए कॉलेज लॉगिन में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। असुविधा होने की स्थिति में महाविद्यालय प्रचार विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा या IT सेल में संपर्क कर समस्या का निदान कर सकेंगे। दोस्तों यह आपके कुछ काम का नहीं, ये कॉलेज वालों के लिए बताया गया कि भाई कॉलेज वालों को पहले से यो यूजर आईडी को पासवर्ड दिया है, वहां से उनको लॉगिन करना होगा और आपकी फीस पे करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपके जो पहले से आपने कोई एग्जाम पास किया है उसके यहाँ पे मार्कशीट भी आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। फीस की हम लोग बात करें तो स्वस्थायी स्नातक परीक्षार्थी समस्त विषय हेतु परीक्षा फॉर्म सहित, दोस्तों यदि आप प्राइवेट और आपके समस्त विषय आपको पूरा एग्जाम फॉर्म डालना तो यहाँ पे 1580 रुपए आपकी फीस आपको देना पड़ेगा। नियमित परीक्षार्थी समस्त विषय हेतु, यदि आप रेगुलर हो तो आपको 1330 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा। समस्त विदेशी छात्र को देय शुल्क यहाँ पे क्या है कि 2720 रुपए यदि आप देश से बाहर के हो। ठीक है, एक विषय हेतु परीक्षा शुल्क 760 रुपए और दो विषय हेतु 925 और पोर्टल शुल्क आपको 25 रुपए देना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही पूरा अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया है पीजी वालों के लिए, थर्ड सेमेस्टर के वालों के लिए। यहाँ पे यदि आप रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, आपकी एटीगेटी है या फिर फेल हो, यहाँ पे आप आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दी, आपको कॉलेज में जाना है, एग्जाम फीस पे करना है और बाकी कॉलेज वाले आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही पूरा अपडेट था जो कि मैंने आपको दे दिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।